बड़ी खबर ललितपुर से सामने आई है, जहां ललितपुर के सौजना थाना क्षेत्र में खेत से लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ व जमकर मारपीट। गांव के ही निवासी दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पीड़ित युवती ने सौजना थाना इंचार्ज पर लगाया कार्यवाही ना करने का आरोप। वही महिला थाना इंचार्ज पर लगे महिला की सुनवाई ना करने के आरोप। पीड़ित युवती पहुंची पुलिस कप्तान के पास। पीड़िता ने परिजनों सहित पुलिस अधीक्षक ललितपुर से लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला ललितपुर के सौजना थाना क्षेत्र का सामने आया है। नाम है, कहाँ से आई है? मेरा नाम है सुजना से आई। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाई? हम यहाँ पर समस्या लेकर आए हैं सर, हाल से आ रहे थे निकलने लेके। जी, मेरे साथ छेड़खानी भी हुई है, उन लोगों ने मारा है। कौन है वो लोग? पड़ोसी हैं और बड़े भाजी और भागीरा भी थी। सुजना थाने में शिकायत करने गई थी, वहाँ पर उनने भी कोई कार्रवाई की ही नहीं। और क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे। कौन है? क्या कहा था जब आपने कहा कि हमारे साथ वारदात हुई है और कार्रवाई करिए, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने अभी कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने कहा कि दो चार दिन की जमीन खाओ। अभी आप कहाँ आई? अभी हमारे थे ऑफिस थाने। तो क्या चाहती हैं आप? हम यहाँ चाहते हैं